अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि हमने बात की सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन हुआ, एक्सरे एनालिसिस ने कंफर्म किया, कंफर्म्ड बाय एक्सरे एनालिसिस प्रपोज्ड बाय कैक्यूल, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करने वाला कैक्यूल था, बेंजीन डिस्कवर करने वाला माइकल फैराडे था, ठीक है, हॉफमैन और माइकल फैराडे, एक ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से, दूसरे ने क्रूड ऑयल पेट्रोलियम और कोल वगैरह इनसे डिस्कवर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की, भाई बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी, सबसे पहले व्हाट इज़ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी हमारे पास, या रेजोनेंस एनर्जी हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें बताना चाहिए रेजोनेंस एनर्जी क्या है, हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए रेजोनेंस एनर्जी की। भाई रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड एनर्जी। अगर एक जगह पे बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल या एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल, रेजोनेटिंग बॉन्ड की एनर्जी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनर्जी एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल का, रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। जैसे कि बेंजीन आइसोलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करें, बेंजीन के 3 बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं, इनकी थ्योरेटिकल वैल्यू 3 पाई बॉन्ड की, और एक्चुअल डिटरमाइन करें क्योंकि रेजोनेंस हो रही है और उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। तो सिंपल हमें मालूम रखना है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी है। अब रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी को, इससे हमें पता क्या चलेगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाय कंपेयरिंग, ठीक है, इसे हम कंपेयर करेंगे हमें स्टेबिलिटी का पता चलेगा। और बेंजीन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बाय कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन की हीट को हम कंपेयर करते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है हम कहते हैं इतनी इसकी स्टेबिलिटी है ड्यू टू रेजोनेंस। किसके साथ कंपेयर करते हैं, बेंजीन, और थ्योरेटिकली हम कहेंगे हेक्साट्राइन, बाय कंपेयरिंग 1,3,5 हेक्साट्राइन। आइसोलेटेड कंसिडर करेंगे बेंजीन को, और बेंजीन का, अब यहाँ पे ये बेंजीन का आयुपैक नेम है तो आप बेंजीन का आयुपैक नेम भी याद रख लें, बेंजीन इज़ अ कॉमन नेम। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, किसी भी डबल बॉन्ड से नंबर शुरू करें 1,2,3,4,5,6, भाई इधर नंबर नहीं जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ, 1 दूसरा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 3 पे, 3 कॉमा तीसरा हो रहा है 5 पे, हेक्सा, ठीक है, साइक्लोहेक्सा 6 मेंबर साइक्लिक है, ट्राइईन, ठीक है, तो 1,3,5 साइक्लो ऐड कर लें भाई, साइक्लोहेक्सा ट्राइईन की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हम कंपेयर करते हैं विद बेंजीन और हमें इसकी स्टेबिलिटी पता चलती है। तो बस हमें 3-4 पॉइंट मिले जिससे MCQs पॉसिबल है। पहला, रेजोनेंस एनर्जी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात,
रेजोनेंस एनर्जी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, किसे कंपेयर करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन को. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन किसके साथ, इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन विद हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन. चौथी बात हमें पता चली, बेंजीन का आयुपैक नेम ऑफ बेंजीन इज 135 साइक्लोहेक्साट्राइन. अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हमें याद नहीं समझनी है, हम सिर्फ याद रखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. एक डबल बॉन्ड के लिए, मोनोइन के लिए ये 119.5 किलो जाउल और कुछ बुक में 120 किलो जाउल दी हुई होती है पर मोल. इसलिए आप दोनों वैल्यू को जहन में रखें, बेहतर है आप 120 को जहन में रखें. अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में 119.5 है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये और इसके क्लोज वैल्यू जो भी होगी उसे चूज करें. 119.5 और 120 किलो जाउल होती है. 119.5 पंजाब टैक्स रिपोर्ट में, फेडरल में और केपीके में, बाकी में 120 के में है. तो ये बात जहन में रखें. अब एक बॉन्ड के लिए 120 किलो जाउल फॉर मोनोइन हो गई. अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो हाइपोथेटिकली इट बिकम 240 या 139, डबल कर लें इसको. ठीक है, फॉर डाइईन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 240 किलो जाउल. ये थ्योरेटिकल है. ठीक है, 120 पहली जो है ये एक्सपेरिमेंटल है एक बॉन्ड की, एक बॉन्ड के लिए इतनी आती है. अब इस एक बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल को यूज करते हुए दो बॉन्ड की थ्योरेटिकल कैलकुलेट की कि जब एक बॉन्ड -120, ये -120 भाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, -240 -139, ठीक है, नेगेटिव साइन लगाना है. एक बॉन्ड की जब -120 हीट इवॉल्व हो रही है तो दो बॉन्ड की थ्योरेटिकली 240 होनी चाहिए. ये थ्योरेटिकल है. लेकिन जब साइक्लोहेक्साडाइईन लिया गया तो इसके बॉन्ड में क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी, ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हो जाएगा. क्योंकि जब दो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आएंगे दे आर कॉन्जुगेटेड, ये एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं. तो इसकी जो वैल्यू आई वो 139 के बजाय 131 आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 131 के करीब आएगी. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. कितनी 131 के 239 करना है इसको. 119.5 डबल कर लें, 139 लिख दिया. तो ये 231 -231 आई जब एक्सपेरिमेंटली इसे किया गया. ठीक है, तो ये उसके ट्वाइस नहीं थी. -231 भी लिखी हुई होगी, -231.5 जो कि इसके डबल नहीं थी, 240 नहीं थी, लेस देन 240 है. और ये जो डिफरेंस है 9 किलो जाउल का, ठीक है, ये 9 किलो जाउल का जो डिफरेंस आया बच्चों ये क्यों है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन. तो ये कॉन्जुगेशन से डाई इनका डिफरेंस आ गया. तो इसका डिफरेंस भी जहन में रखें, डिफरेंस कितना है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का, राउंड अबाउट 9 किलो जाउल है, 8.5 9.5 ये डिफरेंस आएगा. जब तीन डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड्स, तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए 120 × 3 = 360, -360 या 119.5 × 3 कर लें तो 358.5 ये होनी चाहिए थ्रेटिकल वैल्यू. अब हम ये समझते हैं थ्रेटिकली साइक्लोहेक्साट्राइईन के लिए वैल्यू आनी चाहिए -360 किलो जाउल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन.
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने पे, ठीक है। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अब उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था और वो -208 थी। एक्सपेरिमेंटल याद रखें अगेन -208। अब डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है, अब एक बड़ा डिफरेंस है 150 का तकरीबन, ठीक है, 358 और 208, 150 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 150.5 का जो डिफरेंस है यहाँ पे, 150 या 1.5 या 152 का आ जाएगा, 150.5 का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 150.5 का जो डिफरेंस, इसे कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 150.5 है, जो कि डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये ड्यू टू रेजोनेंस हो गया, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व की, इसका मतलब है ये एनर्जी कॉन्जुगेशन में चली गई। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए अगर कहा जाए 4 बॉन्ड के लिए द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी फॉर 4 या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फॉर 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर, तो -120 × 4 = 3 = 244 आ जाएगी। 4 अगर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हों और हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट करें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 480 किलो जाउल होनी चाहिए थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल तो मुझे पता नहीं, हमें एक्सपेरिमेंटल तो ऐसे देख के नहीं पता चल सकती, प्रैक्टिकली ही पता चलेगी, -480 किलो जाउल होनी चाहिए। अगर इसका नाम कहा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो भाई नंबर कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये इसका नाम है। तो आप किसी का भी लिख सकते हो। ये है कुछ चीज़ें अबाउट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक तो आपने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक बॉन्ड के लिए याद रखें फॉर मोनोइन हाइपोथेटिकल, इट इज़ 120, डाइन के लिए उसको 240 कर दें, ट्राइन के लिए 360 कर दें। दूसरी बात, डाइन के लिए एक्चुअल याद रखनी पड़ेगी और वो 240 या 231, 8 या 9 का डिफरेंस आ जाएगा, और ट्राइन के लिए वो हो जाएगी 208 और उसमें जो है 150 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे और बाय कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन विद बेंजीन एंड थ्योरेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ एक्चुअल और थ्योरेटिकल एनर्जी, जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल का डिफरेंस है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये हैं कुछ पॉइंट्स। अब आगे हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन, उसके कुछ मेथड्स। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। भाई वन बाय वन हम ज़रा मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे किसी का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, सिंपल रिएक्शन है हमारे पास और ये 6, 7, 8 रिएक्शन है जो कि हमने अपने जहन में रखने हैं विद कंडीशन। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है हम उसको चेंज करें अनसैचुरेटेड में, जैसे कि साइक्लो हेक्सेन से हम बेंजीन बना लें और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डी हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन। तो एक मेथड है डी हाइड्रोजिनेशन, हम डी हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। आप कंडीशन याद रखना ही बहुत आसान है, जो कंडीशन हाइड्रोजिनेशन की वही कंडीशन डी हाइड्रोजिनेशन की। अगर हम अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, अगर विदाउट हाइड्रोजन हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट तो डीहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, प्लेटिनम या प्लेडियम या निकल मेटल कैटलिस्ट, निकल नहीं यूज़ होता जनरली, प्लेटिनम और प्लेडियम। प्लेटिनम प्लेडियम 250 डिग्री सेल्सियस टू 300
डीहाइड्रोजनेशन होगी। साइक्लोहेक्सेन गिव बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन होगा बेंजीन बनाएगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा तो टोलुइन बनाएगा। सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन ले लें, साइक्लोहेक्सेन ले लें, और अनसैचुरेटेड प्लेटिनम प्लेडियम मेटल वगैरह के साथ हीट करें। जनरल कंडीशन लिख लें, पीटी प्लस हीट, पीडी प्लस हीट, पीटी या पीडी के साथ हीट करें, आपके पास अल्कीन बनेगा और बेंजीन बनेगा। अल्कीन कह रहा हूँ, ये हमारे पास एक मेथड है। दूसरा मेथड हम अल्काइन में पढ़ चुके, हमने कहा था 3 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 3 मोल ऑफ एसिटाइलीन साइकिलाइज टू गिव बेंजीन। अब इसे ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलीन कह लें या पोलीमराइजेशन कह लें, पोलीमराइजेशन है, साइक्लिक पॉलीमर बन रहा है एसिटाइलीन का। और वहाँ पे हमने बात की थी, हम यूज़ करते हैं कॉपर ट्यूब एंड हीट, हम कॉपर ट्यूब और हीट यूज़ करें या हम इसके साथ यूज़ कर लेते हैं हाई टेम्परेचर और गैनो निकल कैटलिस्ट, इसके अलावा और निकल ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। कॉपर ट्यूब में करते हैं रिएक्शन, कॉपर मेटल ही कैटलिस्ट का काम करता है, कॉपर की ट्यूब ही कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शन कराते हैं, या ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, और इन दोनों के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसके हीट करें। 3 मोल एसिटाइलीन ट्राइमराइज होकर बेंजीन बनाती है, रिएक्शन ऑफ एसिटाइलीन में हमने पढ़ा। तीसरा मेथड है अल्केन से अगर हम हेक्सेन ले लें, ठीक है, हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट होगा, इसकी साइक्लाइजेशन भी हो जाएगी और डीहाइड्रोजिनेशन भी हो जाएगी, और इसके लिए हम इसे कैटलिस्ट के साथ अगेन हीट करेंगे, और कैटलिस्ट जो यूज़ होता है Al2O3, SiO2 एंड Cr2O3, इन तीनों का मिक्सचर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एल्यूमिना, क्रोमियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तीनों ऑक्साइड हैं। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 800 होता है, बनने वाला प्रोडक्ट बेंजीन है, तो अल्केन से बेंजीन साइकिलाइजेशन हो जाएगी। फ्रॉम अल्केन हम अल्केन से बना सकते हैं, ठीक है, ये अल्केन से बेंजीन है। अब यहाँ पे अगर हेप्टेन ले लूँगा तो बनने वाला प्रोडक्ट अगेन 6 कार्बन रिंग बना लेंगे बेंजीन का, 7वां कार्बन ऊपर CH3 अल्काइल के तौर पे अटैच रहेगा, टोलुइन बन जाएगी हेप्टेन से। अगर ऑक्टेन ले लेंगे तो इथाइल बेंजीन बनाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा हम लेबॉर्टरी में बेंजीन बना सकते हैं, ये लेबॉर्टरी मेथड, अब जो बात कर रहे हैं वो लेबॉर्टरी में यूज़ होते हैं, ठीक है, लेबॉर्टरी मेथड। और लेबॉर्टरी मेथड में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था डी कार्बोक्सीलेशन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सीलेशन करें तो उसे भी ज़रा दोबारा जहन में ले आएँ। हमने कहा था डी कार्बोक्सीलेशन क्या होती है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हमने सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, इसका रिएक्शन करवाएं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हमने नाम दिया था, हाँ जी, किसका, क्विक लाइम, ठीक है, सोडा लाइम, सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। तो हमने कहा था सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से बनेगा RH प्लस, यहाँ से हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस, साइड प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो भी हमारे पास ये रिएक्शन था, मेन प्रोडक्ट हमारे पास RH बनता है, ठीक है, हमारे पास अल्केन बन जाता है। अब यही रिएक्शन यहाँ अप्लाई कर दें, डी कार्बोक्सीलेशन कर दें बेंजोइक एसिड की, डी
कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेंजोइक एसिड ले लें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दें। यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होना चाहिए और इस राइल के साथ यहाँ हाइड्रोजन आना चाहिए, जैसे ये आर के साथ हाइड्रोजन आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो बेंजीन हो जाएगा जब इसकी जगह एच आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, प्लस साइड प्रोडक्ट हमारे पास Na2CO3 बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, सी Na2 और CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइड प्रोडक्ट हो जाएगा Na2CO3। CO2 ये और ऑक्सीजन ये CO3, Na2CO3 प्लस हमारे पास बाकी रह जाएगा कैल्शियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, और उधर से रह जाएंगे हमारे पास OH नेगेटिव आयन। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो जाना चाहिए, सोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है। हम मेनली याद रखें हमारे पास बेंजीन बनेगा डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन से। इसके अलावा हमें मालूम है हम जिंक के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे फेनोक्साइड आयन का, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट होगा हमारे पास। दूसरा मेथड है हमारे पास फिनोल ले लें, फिनोल का सोडियम सॉल्ट सोडियम फेनोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं विद जिंक मेटल के साथ बेंजीन, ये हाइड्रोजन इधर कर दें जिंक का ऑक्साइड, जिंक इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेगा। तो ये एक मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का। अब इनमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं कौन सा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा टारगेट ही बेंजीन है, हम सिर्फ बेंजीन ही बना रहे हैं और बेंजीन ही बनाएंगे इन मेथड से। तो इसलिए आपने सिर्फ इनकी कंडीशंस याद रखनी है, आपको इन रिएक्शन के नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेशन है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन है, अल्केन से बेंजीन है, डी कार्बोक्सीलेशन से बेंजीन है, फिनोल से बेंजीन है। ठीक है, फिनोल से बेंजीन के अलावा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवा दें विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास मेथड क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H वाटर एसिड कैटलिस्ट, हीट करें इसके साथ। ठीक है, और हीट करेंगे जब वाटर है तो हीट का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइल लिखा है। ठीक है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 100 पे वाटर की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा प्लस ये SO3H, यहाँ से H ले लेगा H2SO4। ठीक है, H2 एक H ले लेगा, SO3H है ये हमारे पास एसिड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास ये बेंजीन बनाने का एक तरीका है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका के नाम मौजूद है वो है वुड्स फिटिक। एक रिएक्शन है अल्काइल हेलाइड्स का रिएक्शन जिसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आपने वुड्स भी याद रखना है और वुड्स फिटिक भी याद रखना है। अगर हम अल्काइल हेलाइड का, पहले हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, ये नाम आपने याद बहुत ज़रूरी रखने हैं, इस तरह के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब भी आपको मालूम होने चाहिए विद कंडीशन, लेकिन जहाँ नेम रिएक्शन आ जाता है नेम रिएक्शन बहुत अहम होता है। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन की कंडीशन, नेम रिएक्शन के रिएक्टेंट, नेम रिएक्शन के प्रोडक्ट, इनसे MCQs बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि खाली नाम दे दिया जाए और बाकी बात पूछ ली जाए। तो वुड्स रिएक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड है, व्हेन अल्काइल हेलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल।
अल्काइल हेलाइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन है, दो मोल अल्काइल हेलाइड के रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ और बनने वाला प्रोडक्ट अल्केन होता है। आर और आर दोनों मोल का आपस में अटैच हो जाता है आर आर, दो मोल सोडियम मेटल यूज होगा, यहाँ से दो हेलाइड जो निकलेंगे सोडियम हेलाइड बनाएंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन ईथर में होगा, सोडियम मेटल का कोई भी रिएक्शन एक्वस मीडिया में नहीं होता। लिक्विड अमोनिया ईथर एनहाइड्रस कंडीशंस में होता है, सोडियम मेटल वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है विद वाटर। इसलिए ठीक है हमेशा रिएक्शन एनहाइड्रस ईथर या लिक्विड अमोनिया में होंगे। तो ईथर में ये रिएक्शन होता है, इट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन का एक मेथड है, अल्केन्स प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन यूजिंग अल्काइल हेलाइड। अब इस मेथड में क्या चीज़ है, क्या कमी है, क्या इजाफा है, ठीक है सेंसिटिव रिएक्शन है, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है एक चीज़, सो केयरफुली करना पड़ता है, मॉइस्चर फ्री कंडीशन रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर एक कार्बन का अल्काइल हेलाइड हो तो दो कार्बन की अल्केन, अल्केन प्रोड्यूस्ड कंटेन ट्वाइस कार्बन्स देन अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड से डबल कार्बन की बनती है। इसका मतलब है एक कार्बन का लें दो कार्बन की अल्केन बनाएं, दो कार्बन का अल्काइल हेलाइड लें चार कार्बन की अल्केन बनाएं, ओनली इवन नंबर इवन कार्बन अल्केन्स, ओनली इवन कार्बन अल्केन कैन बी प्रोड्यूस्ड, सिर्फ वो अल्केन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन नहीं बनेगा। ऑड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट अल्काइल हेलाइड लें, एक कार्बन का दूसरा दो कार्बन का, और कोशिश करें कि तीन कार्बन के अल्केन बनाए तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा, एक और एक भी आपस में अटैच हो जाएंगे, दो और दो भी आपस में अटैच हो जाएंगे, दो और एक भी अटैच हो जाएंगे, वी गेट मिक्सचर, हमें इम्प्योर मिक्सचर मिलेगा, कोई एक भी मुकम्मल नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम सिर्फ इस मेथड से ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन बनाते हैं, ठीक है एक कार्बन तीन कार्बन पांच कार्बन सात कार्बन की अल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाते, ठीक है ये है वुड्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन की, कि वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो अब वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है ज़रा इसकी बात करते हैं, व्हाट इज वुड्स फिटिग। ये फिटिंग नहीं है, फिटिग है FITIG फिटिग। वुड्स फिटिग रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने का एक तरीका है। फिटिग नाम के एक बंदे ने वुड्स रिएक्शन को एक्सटेंड किया, और ये बात है 1864 की, इन 1864 फिटिग एक्सटेंडेड वुड्स रिएक्शन, उसने वुड्स रिएक्शन से आइडिया लिया और उसको एक्सटेंड किया। और अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हेलाइड यूज़ करें तो हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें मिक्सचर मिलता है क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी एक जैसी है। एराइल और अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी में फ़र्क है, तो उसने क्या किया, एक एराइल हेलाइड क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन ले ली, ठीक है एक ले लिया एराइल हेलाइड सोडियम मेटल और दूसरा ले लिया अल्काइल हेलाइड जैसे कि ClCH3। अगर हम ये दो ले लें, जनरल रिएक्शन ही लिख रहा, मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ,
और इसका रिएक्शन करवाया तो हुआ क्या, इसका एराइल पार्ट और इसका अल्काइल पार्ट आपस में अटैच हो गए। जैसे कि यहाँ पे दो अल्काइल, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ आर एक्स प्लस सोडियम प्लस आर एक्स, ठीक है, तो ये यहाँ से दो मोल सोडियम के साथ निकल गया और ये आर और आर आपस में अटैच हुए, ये बना है। तो यहाँ पे दो सोडियम मेटल के साथ ये NaCl निकल गया, एक एराइल और दूसरा अल्काइल पार्ट आपस में अटैच हुए और बनने वाली प्रोडक्ट क्या थी, बनने वाली प्रोडक्ट थी टोलुइन। इस रिएक्शन को नाम दिया गया वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिग इज एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इसलिए दे गया क्योंकि इसकी और इसकी रिएक्टिविटी में फ़र्क है, तो सोडियम पहले एक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, देन इट रिएक्ट कम्प्लीटली, देन रिएक्ट विद अदर, ठीक है, तो ये इस वजह से पॉसिबल हुआ। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन एराइल एंड अल्काइललाइट अब आपने याद रखना है, वुड्स रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ अल्काइललाइट, वुड्स फिटिंग इज रिएक्शन ऑफ एराइललाइट एंड अल्काइललाइट टू गिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अल्काइलेटेड बेंजीन, जनरली इट गिव अल्काइलेटेड बेंजीन, ठीक है, और रिएक्शन वही है विद सोडियम मेटल, सोडियम सॉलिड के साथ इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो कि हमने बात किए। हम बेंजीन को बना सकते हैं कैसे, डी कार्बोक्सीलेशन से बेंजीन बना सकते हैं, डी हाइड्रोजिनेशन से बेंजीन बनाएंगे, प्लेटिनम निकल प्लेटिनम प्लेडियम मेटल के साथ हीट करके हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम अल्केन बाय साइकिलाइजेशन, फ्रॉम एसीटाइलिन बाय पॉलीमराइजेशन, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय बॉइलिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कैटलिस्ट, उसके अलावा बाय वुड्स फिटिग रिएक्शन। थैंक यू।